पूजा हो रही है। जय श्री राम। ये तो माल और ये सब गणेशभ्यो नमो नमः धृतस्थानं समर्पयामि भगवते धृतस्थानं समर्पयामि वातवासेन शुद्धोदक स्थानं शुद्धवाला मणि शुद्धवालस्तेन सर्वोदक आश्विन्यं जलं समर्पयामि। अलग अलग प्रकार की मिठाई भी रखो, हम मिठाई उठाई भी लेके आए। बोलो एक जन वेलकम बैक दोस्तों, माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज सुबह हो चुके हैं 10 बजे और मैं नहा के हो चुका हूँ सेट, और अभी पंडित जी आने वाले हैं थोड़ी देर में और फिर करेंगे। आज सेकंड डे है पूजा का, बैग गिर गया। पूजा का सेकंड डे है तो जो तो जली रही है कल से, और ये पूजा का सारा सामान ये सब रखा है, पता नहीं क्या क्या, सुपारी और ये फूल भी ले आए ताजे ताजे, और पंडित जी का सामान, वो हवन का सामान, तेल वेल घी वगैरह सब कुछ है। तो पूजा अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही पंडित जी आएंगे। यहाँ पे पापा जी की फ़ोटो लगा देंगे और मैं भी नहा धो के सेट हो चुका हूँ, बस पंडित जी का वेट हो रहा है। और उसके बाद पूजा स्टार्ट, सेकेंड डेज माँ दुर्गा जी की 3 दिन का पाठ है। और स्टार्ट हो चुकी है हमारी, पंडित जी भोग कुछ चंगी की है हमारी। पूजा संपन्न हो चुकी है आज की, कल हवन है। अरे ये तो वही तो पितरों खंडा रहे। अच्छा उखाड़ ले रहे हैं चावल। भगवान जी ने आलू मम्मी तब वही डालो है ना, आलू खाई ना आलू। जय माता दी। छोटी की हुई हमारी सबसे पहले, सब निकल गई थी तो भैया की 12 तारीख को कहते बार भैया की 11 और 12 तब तो को जानोगे तो वहीं से वैराग्य अपने आप उठने लग जाएगा। बस उठना चाहिए। भाई से आम के पत्ते मैंने तोड़ने के लिए बोले, अब भाई तोड़ के ले आया ऊपर आम के पत्ते। दिल्ली में आम के पत्ते मिलना बहुत मुश्किल है यार, है ना। तो तोड़ लिया आम के पत्ते। कल पूजा है, फाइनल पूजा हवन, तो उसके लिए पत्ते लेने आया था मैं जंगल में। जंगल नहीं है, सिटी है ये, फॉरेस्ट सिटी। ये पूरा आम का बगीचा, आम का पेड़, ओनली एक ही पेड़ मिला है इतने बड़े जंगल में, तो ये आम का पेड़ है। और भाई वहाँ पे काम करता तो ले लिया। चलते अब लेनी है मेरे को थोड़ी सी घास पूजा के लिए। यहाँ पे घास का कोई नामो निशान नहीं है जंगल में, यहाँ पे बतख है, ये देखो बतख। ये बतख पर जंगल में घास कहाँ मिलेगी, इधर देखते हैं, इधर होगी घास शायद। तो गाइस आप सबने देखा आज हमारे घर में पूजा थी, चंडी माँ का पाठ था 3 दिन का, देवी का पाठ, और कल लास्ट दिन है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इस फॉरेस्ट में आम के पत्ते और घास लेने आया हूँ जो कि पूजा में काम होती है। तो पंडित जी ने बोला था लेने के लिए,
तो दिल्ली में बहुत दिक्कत है आम के पेड़ की, फिर भी मिल ही जाते हैं, एक आध पेड़ होती है दिल्ली में। और भाई यहाँ पे मेरे को घास नहीं मिल रही, अभी तो घास देख के आप हमें कहीं भी मिलेगी, आगे है घास शायद वहाँ मिल जाएगी घास। और भाई आज जब पंडित जी सुबह सुबह पूजा पे बैठने उन्होंने पूजा स्टार्ट की थी ना, तो उनका ना मतलब शरीर भारी सा हो गया था और आलस आ रहा था, उनको जमा ही रही थी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला मेरे से नहीं हुई पूजा ये, तो उन्होंने ये बताया कि भाई मेरा शरीर भारी हो रहा है और इच्छा नहीं हो रही। मतलब मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है यार, फिर उन्होंने बोला कि आपके ऊपर ना बुरी हुआ है नज़र, मेरे पर किसी की बुरी नज़र है पड़ी हुई है। तो फिर भाई लगता तो मुझे भी है, क्योंकि मेरा शरीर भी ना मोस्टली हाथ पाँव टूटते हैं मेरे, भारीपन लगता है बहुत ज़्यादा शरीर में भारीपन। और इसी वजह से फिर हमने आज एक आंटी थी हमारे बगल में रहती है, वो उत्तराखंड की, वो भी तो उनके पास देवी आती है, तो जैसे ही वो हमारे घर पर आई तो उनके पास देवी आ गई। उसने बोला कि इस लड़के को ना किसी ने ना कुछ गंदी चीज़ खिला रखी है खाने में, तो ऐसा उन्होंने कहा। तो भाई सच्ची बोला होगा, सच्ची है। और बस तो मेरा तो यही कहना भाई, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो लोगों से इतना जलते हैं, इतना नफरत करते हैं कि उसको नष्ट करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए इतनी बुरी नज़र रखते हैं, या मतलब उसको खिला पिला देते हैं। मैंने हालांकि ये सुना ही था, पर आज मैंने देखा भी है, हालांकि नज़र मेरे पर लगती रहती है, उसी से मैं काले धागे पहनता रहता हूँ, बट ये जो नज़र है ये पता नहीं कैसे लोग होते हैं यार। अपना घर, अपने घर में उनको खुशी नहीं मिलती तो दूसरे को देख के चिढ़ते हैं, और मैं कौन सा यार आईपीएस अफसर हूँ या आईएएस अफसर हूँ जो मेरे को देख के चिढ़ रहे हो, या मैं कोई बहुत बड़ा मतलब प्लेयर हूँ या बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ जो मुझे देख के चिढ़ रहे हैं। अगर भगवान इस दुनिया में है ना, तो भगवान को भाई, भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जी ऐसे लोगों को आप जल्दी से जल्दी ख़त्म करें इस दुनिया से, और हम जैसे अच्छे लोगों को भाई भला करें भगवान जी। तो मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया भाई, तो क्या करते हैं यार, ये बुरे लोग दुनिया में बहुत हैं और हम जैसे अच्छे लोगों का जीना हराम कर रखा है, क्या कर सकते, कैसे। अब ऐसे लोगों को यार पता भी नहीं कर सकते ना भी इन्होंने हमको कब खिलाया। मैं हालांकि मैं बाहर का भी नहीं खाता, और ना ही मैं बाहर कहीं किसी घर में जाता, और ये लोग भाई तांत्रिक क्रियाएं करने जानते हैं भाई। हमने तो सुना ही था कि तांत्रिक क्रियाएं होती है, जादू टोना होता है, पर आज मेरे पर हुआ है तो मेरे को पता चल रहा है कि भाई ऐसे भी होता है। अभी तो घास लेने आया था तो थोड़ा बैठ गया मैं, शरीर एकदम तो भारी सा हो रहा है अभी भी, और आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा, सुस्ती करते हैं इसका इलाज। कल देवी का पाठ है लास्ट, हवन है, कल पूजा भी होगी और थोड़ा सा भंडारे भी करेंगे। तो भाई आप लोग तो आ नहीं सकते, बस वीडियो के जरिए कमेंट में जय माता दी बोल देना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, अच्छे लगे तो। और भाई मेरे लिए दुआ करना कि मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों फ़िलहाल मैंने आरती कर ली है 7 बजे की, आरती ख़त्म भी हो चुकी है, तो बत्ती तो जली रही है परसों से, और आरती भी कर ली इसमें हमने कपूर जला के। और सामने ये बहुत ही प्यारा मंदिर लग रहा है, और कल फिर लास्ट पूजा है, तो ये सामान है कुछ इस तरह का, और ये मेरा रूम।